हेलो डॉक्टर मेहुल भट्ट, वंस अगेन। मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर को फेस का पैरालिसिस हो गया है और उस बीमारी का नाम है रामसे हंट सिंड्रोम। रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे बताया कि उन्हें एक तरफ का फेस का पैरालिसिस हो गया है और उनका डायग्नोसिस हुआ है रामसे हंट सिंड्रोम। एग्जैक्टली रामसे हंट सिंड्रोम है क्या? काफ़ी डरावनी बीमारी है। अगर आपको अचानक एक तरफ के फेस में पैरालिसिस हो जाए, कान अचानक दर्द करने लगे, कान और चीक या गाल के आजू बाजू छोटी छोटी पानी भरी हुई फोड़ी हो जाए तो आप भी डर जाओगे। और कुछ कुछ केसेस में तो एक तरफ से कान में सुनाई देना भी कम हो जाता है, या तो जबान से टेस्ट भी चला जाता है या कम हो जाता है। तो ऐसे अचानक रातों रात अगर लक्षण आपको आ जाएंगे तो आप भी डर जाओगे। और यही बीमारी को रामसे हंट सिंड्रोम बोलते हैं। इस बीमारी में अचानक आपको पानी भरे हुए फोड़ी होगी फेस पे या कान के आजू बाजू, और फिर वो थोड़े दिन तक बढ़ती रहेगी और इसी के साथ एक तरफ का फेस आपका पैरालाइज हो जाएगा। ये क्यों होता है? ये होता है चिकन पॉक्स वायरस की वजह से। अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है तो वो वायरस आपके बॉडी के नर्व्स में सालों साल रहता है, और एक कभी टाइम ऐसा आता है जब आपकी इम्यूनिटी डाउन है या बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म सही नहीं चल रहा है, तब वो सोया हुआ वायरस जो चिकन पॉक्स का है वो बाहर आ जाता है रामसे हंट सिंड्रोम के नाम से, और फेस में एक तरफ पैरालिसिस कर देता है। घबराने की बात नहीं है, ये टेम्पररी पैरालिसिस है। ज़्यादातर केस में अगर पहले 3 दिन में इसकी ट्रीटमेंट अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो ये रिकवर हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाती है तो ये परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकता है और काफ़ी और डैमेजेस भी हो सकते हैं। सबसे डरावना सिम्टम पेशेंट को पैरालिसिस के अलावा आँख का रहता है, क्योंकि जब अचानक पैरालिसिस फेस का हो जाता है तो उस तरफ की जो आँख है वो पेशेंट खुद बंद नहीं कर सकता है। तो कितना भी जोर लगाए लेकिन उस तरफ वाली जो आँख है वो खुली की खुली रह जाती है, और इसकी वजह से आई डैमेज हो सकता है, आँख का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि रात को सोते समय एक आँख के ऊपर पट्टी लगा के सोए, जिसकी वजह से उसकी आँख बंद हो पाए और उसकी आँख का इन्फेक्शन हम रोक पाए। कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं अगर ट्रीटमेंट समय पे नहीं शुरू की, और उस कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है परमानेंट फेस पैरालिसिस। कुछ एक केसेस है जैसे रामसे हंट सिंड्रोम के, जिसमें जो फेस का पैरालिसिस हुआ है, जिसमें जो नर्व डैमेज वायरस की वजह से हुई है, वो इतनी ज़्यादा है कि जो उस तरफ के फेस का पैरालिसिस परमानेंट भी हो सकता है। और कुछ कुछ केसेस में पैरालिसिस तो ठीक हो जाता है कम्प्लीटली या पार्शियली, लेकिन कान में उस तरफ का सुनाई देना कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रामसे हंट सिंड्रोम का होता है। इसके अलावा आई डैमेज भी कुछ केसेस में रिपोर्ट किया गया है। और एक चीज़ है, अगर पेशेंट को जो बड़े बड़े फोड़ी होती है चीक पे, गाल पे और कान के आजू बाजू, वो सूखने के बाद वहाँ की जो नर्व डैमेज होती है उसके बाद काफ़ी महीनों तक नर्व पेन, न्यूरालजिया जिसे हम बोलते हैं, वो होता है, और वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है और काफ़ी पेनफुल होता है, और पेशेंट को कहीं कई महीनों तक हमें पेन किलर देने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम फेशियल न्यूरालजिया बोलते हैं, जो रामसे हंट सिंड्रोम ठीक होने के बाद कुछ हफ्तों या महीनों तक रह सकता है। तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो बच्चे हैं अगर आपके घर में, तो उन्हें चिकन पॉक्स का वैक्सीन आप दे सकते हो। अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो आप इस उम्र में एडल्ट्स भी चिकन पॉक्स का वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये जो रामसे हंट सिंड्रोम है वो बचपन वाले चिकन पॉक्स वायरस से ही होता है। तो अगर पहले आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो ही आपको रामसे हंट सिंड्रोम हो सकता है। अगर आज तक कभी भी आपको पहले चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो आपको रामसे हंट सिंड्रोम या फेस पैरालिसिस उसकी वजह से नहीं हो सकता है। तो अगर आपने चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं लिया है तो कोई भी उम्र में आप चिकन पॉक्स का वैक्सीन ले सकते हैं। और एक चीज़ याद रहे, अगर आपको आज तक कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो रामसे हंट सिंड्रोम वाले जो मरीज़ है वो खुद
चिकन पॉक्स का वायरस आपको दे सकते हैं, तो ये कंटेजियस भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है और अपने आप को चिकन पॉक्स से बचाएंगे तो फ्यूचर के रामसे हंट सिंड्रोम से भी बच पाएंगे। सो फाइनली, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ भी है और ट्रीटेबल डिजीज़ भी है। अगर आपको ये डिजीज़ हो भी जाती है तो अगर पहले 48 घंटे में आपने इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी तो इसकी जो रिकवरी है उसके चांसेस ऑलमोस्ट 70-80% है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा अचानक फेस का पैरालिसिस को वीकनेस समझ के इधर उधर की गोली मत लेना। तुरंत आपके जानकार डॉक्टर की सलाह लेके अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, जिसकी वजह से आप अपना फेशियल पैरालिसिस जल्दी रिकवर कर पाओगे और रामसे हंट सिंड्रोम को आप ट्रीट कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं, हमारी चैनल 1010 हेल्थ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल रिलेटेड टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वी विल ट्राई कि आपके लाइकिंग वाले वीडियोस फ्यूचर में भी बनाते रहें।